सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज आरा राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार कोविड-19 को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में एवं अपने घर आंगन बगीचे तथा अन्य खुले जगहों पर वृक्ष लगाकर जागरूक करने का कार्य किया है। कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि पौधारोपण का कार्यक्रम हर जगह किया जा रहा है, परंतु बहुत कम जगह है जहाँ पर पौधे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अक्सर लोग पौधारोपण करने के बाद पौधों को पानी बिना छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन पौधे या तो सूख जाते हैं या जानवर के चारा बन जाते हैं। सभी स्वयं सेवकों ने आज अपने अपने घरों में पौधा लगाया है। स्वयं सेवक में प्रियांशु मिश्रा, रवि गोल्डेन, अजय सुधांशु आदि ने पौधारोपण किया है। तो जो पर्यावरण है हरा भरा है, ताकि हम लोग को शुद्ध वायु हवा मिल सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। हम उन्हीं मुहिम में अपने सभी स्वयं सेवकों को भी आग्रह करते हैं, वो भी अपने घर में या बालकोनी में कहीं भी एक पौधा जरूर लगाएं। मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुग्रह करूंगा कि आप अपने जन्मदिन, रक्षाबंधन या कोई भी पर्व त्योहार हो या कोई भी उत्सव हो, आप उस उत्सव में एक पौधा जरूर अपने आंगन बगीचे या कहीं भी जहां उसको देखा जा सके वहां पे एक पौधा जरूर लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आपने अपने घरों में पौधा लगाया है, क्या वृक्षारोपण के दिवस के दिन ही पौधा लगाना उचित है क्या? जी नहीं, वृक्ष एक ऐसा चीज हमें प्रतिदिन अगर चाहे तो प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। एक प्रतिदिन लगाकर उसकी सेवा भी करना जरूरी होता है। एक विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लगाकर ये दिखाना उचित नहीं होगा कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमें प्रतिदिन पौधे की देखरेख करनी चाहिए, पौधे जहाँ कहीं लगे हुए हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि विश्व हमारा हरा भरा लगे, ताकि उस समय बुझाए कि हाँ रोज हम पर लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज कई सारे ऐसे संस्थाएं, ऐसे लोग हैं और आपके जैसे वॉलंटियर जो वृक्षारोपण करते हैं और कुछ ही समय बाद वो सूखा हुआ नजर आता है, तो उसको संरक्षित करने के लिए विद्यालय या फिर आपका NSS क्या कर रहा है उसके लिए? इसके लिए हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिदिन पौधों की देखरेख करता है, ताकि हम उस पौधा जो है अपने बड़ा हो सके। हम लोग तो पौधा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय या विद्यालय परिसर के जो भी लोग हैं, जैसे माली हैं, वो पौधे की देखरेख करें, ताकि वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो सके और हम लोगों को छाव दे सके। आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज।